Now we are covering equivalence class testing and we start our discussion with an example. We require, imagine we require a program and, or, and we give that program specification. The specification says we have or we require a routine which returns a by b if a is greater than b and a plus b. Otherwise, let us have the code for this specification. See, if A is greater than B, then we return A by B. Otherwise, we return A plus B. Okay. Considering our previous knowledge, we only know CFG, DFG, or that is control flow graph, or data flow graph based testing and even if i take m c d c modified condition to see coverage we have for a greater than b and a less than b if i have a greater than b then it will return me 2 by 1 a by b which is 2 if it is a less than b it will return me 1 by 2 uh, sorry uh, 1 plus 2 which is 3 okay with respect to c f g we find out that there are टू पाथस एंड ऑल कवर्ड येट अगर मैं एक खास इनपुट अरेंजमेंट लेता डैट इज टू जीरो तो इसने क्रैश करना था जबकि मैंने टू वन और वन टू लिया सिस्टम टेस्ट हो गया पॉल डी निकला क्या मेरा इंटरेस्ट सिस्टम टेस्टिंग जस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट कवरेज है नहीं मेरा तो काम है प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स को निकालना और विद मिनिमम डॉलर स्पेंट ओके तो टू जीरो का तो इसमें नहीं निकला अगर आप इसको गौर करें मैं एक आपको और एक चीज हाईलाइट करने की कोशिश करूं देखिए ये है ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए बाई बी हो जाएगा अदरवाइज ए लेस देन ए प्लस बी हो जाएगा ठीक है जनाब मैंने अभी ए ए ग्रेटर और इक्वल बी पे मेरा इस पर कमांड नहीं आई या मेरा इसमें कोई वो नहीं है स्पेसिफिकेशन इज काइंड ऑफ साइलेंट ऑन दैट ओके सो वी नीड अल्टरनेटिव वी नीड अल्टरनेटिव विच कंसिडर इनपुट्स एंड फ्रॉम इनपुट्स दे कंसिडर स्पेशल काइंड ऑफ इनपुट्स और स्पेशल अरेंजमेंट्स सम हाउ कैसे इसको देखना पड़ेगा वी स्टडी इक्वल क्लास पार्टी एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द इनपुट मैं इनपुट की किसी किस्म की प्रोसेसिंग पे नहीं जा रहा सॉरी कोड uh, की या स्पेसिफिकेशन की मैं इनपुट की मैं इनपुट टाइप्स पर डिपेंडेंट हूँ तो ये इनपुट यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम सब पे यूज होगा इक्वल क्लास टेस्टिंग यूजेज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल क्लासेज टू जनरेट टेस्ट केसेज फॉर लार्जली लार्जली फंक्शनल दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्ट ओके हाउ एवर इट कैन बी यूज इक्वली एट यूनिट इंटीग्रेशन लेवल अच्छा इंटीग्रेशन में भी ये कंसिड्रेशन ब्लैक बॉक्स ही है मैं आई एम नॉट कंसिडरिंग कोड आई एम कंसिडरिंग वॉट इज द इनपुट एंड दैट्स अबाउट इट ओके की गोल फॉर इक्वल क्लास टेस्टिंग कम्प्लीटनेस ऑफ टेस्ट कवरेज अगर टेस्ट कवरेज मेरी किसी हद तक टेस्ट कवरेज तो है आई एम गोइंग फॉर लेसेंस एफर्ट टू टेस्ट कवरेज एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए वन ए टू ए एन वी डिवाइड ए इंटू डिस सच दैट ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन इज ए अगर मैंने लेट से मेरे पास था वन टू थ्री और मैंने किया इसको मैंने ए वन कर दिया इसको ए टू कर दिया इसको ए थ्री कर दिया तो अगर मैं इनका यूनियन लूंगा तो इट विल गिव मी द सेम सेट बैक अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो क्या निकलेगा डेफिनेटली ये फाइ निकलेगा एम टी सेट क्योंकि दे आर डिस इनपुट वेरिएबल वैल्यूट एक्स इट्स अब इट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सीमेट्रिक वॉट डू मीन रिफ्लैक्सिव इफ माइनस टू इज इन एक्स देन माइनस टू माइनस टू इज ऑल्सो इन आर सीमेट्रिक इफ थ्री फाइव इज इन आर

चूंकि दोनों सेम है लिहाजा मैंने एक ही इंटीजर आई लिया अब ये देखिए ये इंटीजर सेट जो है वो माइनस थ्री से गया और इधर तक गया और इनफाइनाइट हमें अब स्पेसिफिकेशन से या हमें ने मैकेनिज़्म जो भी हम इसमें लगा के हमें दो चीज़ें ढूंढनी है ए वन ए टू ए थ्री इसकी डिसजॉइंट सेट्स कितने बनते हैं अगर आप देखें एक तो बनता है नेगेटिव वैल्यूज़ का एक बनता है ज़ीरो का एक बनता है पॉजिटिव वैल्यूज़ का अब आप गौर करें ए वन यूनियन ये आपको पूरा का पूरा सेट वापस मिल जाएगा आई ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री आपको फाइव मिलेगा ओके okay. हम करना क्या चाह रहे हैं हमारे पास अब पिछली हमारी वर्किंग से ए सेट आई से ए वन ए टू ए थ्री थ्री सेट मिल गए हैं जहां से अगर मैं पूल करूं तो ये सारे के सारे ये सारे के सारे से अगर मैं इनपुट लूंगा तो इट विल रिप्रेजेंट ए क्लास देखिए एक तो ये फायदा हो गया दूसरा ये सारे के सारे इक्वलेंट होंगे अब अगर मैं माइनस थ्री लू या मैं माइनस टू लू या मैं माइनस थ्री हंड्रेड टू लू ये सारे इक्वलेंट है दिस मीन्स कि मैं इनमें से कोई एक कैंडिडेट ले लू तो सबको रिप्रेजेंट करेगा विच इज ग्रेट दिस मीन्स कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे कौन कौन से टेस्ट केसेस इक्वलेंट होंगे देन दैन देन पॉजिटिव सो हमने क्या किया अच्छा अगेन ये हमारी स्वाबदी थी मैंने नेगेटिव वाले अलग निकाल दिए जीरो अलग ले लिया और पॉजिटिव वाले अलग ले लिए टेस्ट केसेस अब कैसे बनेंगे ए वन से दो ले लिए ए वन ए टू से ले लिए ए वन ए थ्री से ले लिए इस तरह करते करते हमारे टेस्ट केसेस बनेंगे अब टेस्ट केसेस को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अब आप गौर कीजिए इक्वलेंस की बात मैं पहले कर चुका हूँ लिहाजा मैं इसमें कर नहीं रहा ये इसमें लिखा हुआ है ये सारा का सारा अगर आप ये देखें इक्वलेंस ये इक्वलेंस की बात हुई हुई है ओके ना हमने टेस्ट के सिलेक्शन करते हुए हमने क्या करना है विद इन दी रेंज एट दी बाउंड्री एंड आउटसाइड रेंज ये हमने तीनों तरह की इनपुट्स या तीन पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स दे लेंगे अब आप देखिए कि मुझे इनपुट पे रेंज डिफाइन करनी या करवानी पड़ेगी या तो मुझे अपने एनालिस्ट साहब को कहना पड़ेगा कि जी आपने इनपुट तो डिफाइन किया है इस स्पेसिफिकेशन में इसकी रेंज नहीं बताई आप सिंपल सा एक देखें आप एक इंट लें इंटीजर वैल्यू लें छोटा सा प्रोग्राम लिखें और उसको अगर उसकी वैल्यू आपने 16 बिट वाइड लेट से आपने 16 बिट वाइड इंटीजर लिया तो उसको टू रेज पास 16 से कोई बड़ी वैल्यू देके के देखें ओवरफ्लो दे करेगा डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा अब आपको ये भी चेक करना है कि अगर एक टू रेज पास सिक्सटीन से बड़ी वैल्यू तो आप प्रोसेस करके नहीं बताएंगे कि जी यह तो बड़ी वैल्यू आ गई या रिजल्ट नहीं देंगे अब आपको इनपुट पे ही उसे निगेट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर आप एक सही फंक्शन बना रहे हैं तो दिस मीन्स इन दी रेंज जितने भी आपके पास इनपुट सेट्स आए एक क्लास बन गई एट दी बाउंड्री आपने बाउंड्री पे टेस्ट किया आउटसाइड रेंज इलीगल आपने इलीगल सो so अब ये आपने क्या किया एक पार्टीशनिंग भी की और बाउंड्री वैल्यूज़ को भी या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करके बाउंड्री वैल्यूज़ को भी आपने कर लिया इन्वॉल्व कर लिया अब आप देखिए आपके विद इन दी रेंज पॉजिटिव इंटेंट के टेस्ट केस बनेंगे एट दी बाउंड्री पॉजिटिव इंटेंट के टेस्ट केस बनेंगे आउटसाइड रेंज नेगेटिव इंटेंट के टेस्ट केस बनेंगे आपने अगर आप एक आपकी एक इन, आपकी एक है लेट से आप आपके मार्क्स हैं आप स्कोर कर सकते हैं बिटवीन वन परसेंट टू वन हंड्रेड परसेंट अगर आप दस में से बारह नंबर ले आए और सिस्टम प्रोसेस करना शुरू कर दे जी ये ठीक है आ, द, लेट से आपके पास थे दस 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 और पचास आपके दस दस, दस नंबर के पाँच सवाल थे और आपने बाकी सब में तो लिए नौ नौ नंबर और एक जो पाँचवा सवाल था उसमें से आपने अठारह नंबर ले लिए अब आप देखें नाइन फाइव सा फोटी फाइव प्लस नाइन फिफ्टी फोर आपके पचास में से चौवन नंबर आ गए कमाल हो गया तो दिस मींस के सिस्टम शुड नॉट लेट यू डू दैट सिस्टम यू परमिट ओनली लीगल वैल्यूज और अगर ये हो गया अगर 44, 54 नंबर आपके आ गए तो दिस मीन्स के सिस्टम अब वो नंबर तो आपके आ गए सिस्टम फेल हो गया और अगर नंबर नहीं आया आपका टेस्ट केस पास हुआ है फेल नहीं हुआ आपका नेगेटिव इंटेंट का टेस्ट केस था इसका इसका ना एग्जीक्यूट करना ही आपकी आ, 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 ये पास हो रहा है आपका या आपकी सक्सेस हमने क्या किया हमारे पास ये टेस्ट आपके तीन आए थे सबसेट्स आए थे हमने क्या किया हमने अस्यूम किया रेंज है एट बिट वाइड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज दिस मीन्स ये जो ये आपका पहला जो आपका था ए वन वो एक्सक्लूड हो गया वो मेरा एक्सक्लूड कर दिया मैंने ओके okay. अब क्या रह गया अब मेरे पास रह गया ए टू एंड ए थ्री अब मैंने टेस्ट केसेस बनाए देखिए मैं एक वर्ल्ड ऑफ uh, क्या कहना चाहिए नंबर्स पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स से मेरे पास अब बचा क्या है जीरो और वन टू थ्री से लेके टू फिफ्टी सिक्स अगेन इक्वलेंस ये सारे के सारे इक्वलेंट है जीरो अपनी इक्वलेंस उसके अपने उसमें एक ही सेट में मेम्बर है टेस्ट केसेस क्या बने वन टू टू वन वन जीरो जीरो वन से लेके टू टू दैट सेट अब ये आपने सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे आपने अब इसके अंदर अगर आप बाउंड्री वैल्यू पे भी एक टेस्ट केस लें तो आपकी बाउंड्री भी आपकी कवर हो जाएगी दिस मीन्स टेस्ट केसेस वन जीरो टू टू वुड सर्फिस प्रोग्राम डिफेक्ट्स एंड इफ वी इंक्लूड बाउंड्रीज एज वेल दिस मीन्स यू विल हैव अ टेस्ट केस विच विल हैव लेट्स से टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी फोर देन इफ यू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द बाउंड्री You will have one test case which is let's say 257 greater than 256. So we have a mechanism to select data from equivalence classes, less number of equivalent, achaji, less number of equivalent test cases. And if we consider boundary, then you have additional test cases, positive and negative in 10.